दोस्तों अगर आप भी डीकॉक का छक्का देखकर खुश हो तो वीडियो को जरूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बांग्लादेश को वर्ल्ड कप 2023 में लगातार चौथी हार झेलनी पड़ी है। टीम अभी तक केवल अफगानिस्तान को हरा पाई है। साउथ अफ्रीका इस जीत से दूसरे नंबर पर आ गया है। क्विंटन डीकॉक के तूफान में कैसे बह गया बांग्लादेश, ये सब अपने वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में जीतो इंडिया जरूर लिखिएगा। तो चलो अब शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों साउथ अफ्रीका ने वर्ल्ड कप 2023 में शानदार खेल जारी रखते हुए बांग्लादेश को 149 रन से हरा दिया। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हुए मुकाबले में बांग्लादेश की टीम महमूदुल्लाह ने 111 रन के शतक के बावजूद 233 रन ही बना सकी। बांग्लादेश को 383 रन का लक्ष्य मिला था। महमूदुल्लाह ने छठे नंबर पर आकर शतक ठोका, लेकिन वे केवल टीम के हार का अंतर कम कर पाए क्योंकि एक समय बांग्लादेश के 6 विकेट 81 रन पर गिर गए थे। इससे पहले बेहतरीन फॉर्म में चल रहे क्विंटन डीकॉक के बड़े शतक और हेनरी क्लासन की तूफानी पारी के दम पर दक्षिण अफ्रीका ने 5 विकेट पर 382 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। डीकॉक ने 140 गेंद पर 174 रन बनाकर टूर्नामेंट में अपना तीसरा शतक लगाया। उनकी पारी में 15 चौके और 7 छक्के शामिल रहे। उनके अलावा कप्तान एडन मार्करन ने 69 गेंद पर 60 तो हेनरी क्लासन ने 49 गेंद पर 90 रन बनाए जिसमें 2 चौके और 1 छक्के शामिल रहे। साउथ अफ्रीका इस जीत के साथ अंक तालिका में दूसरे स्थान पर आ गया है। उसे 5 मैचों में केवल नीदरलैंड के साथ हार मिली है। बाकी के 4 मैचों में उसे 100 से ऊपर के अंतर से जीत दर्ज किया है। इससे प्रोटियाज टीम की नेट रन रेट सबसे मजबूत है। वहीं बांग्लादेश लगातार चौथी हार से अंक तालिका में सबसे नीचे स्थान पर पहुंच गया है। इसके पहले लक्ष्य का पीछा करते हुए बांग्लादेशी ओपनर्स ने शुरुआती ओवर सुरक्षित निकाले, लेकिन रनों के पहाड़ का प्रेशर आखिरकार दिखा और मार्को यानसन ने 2 गेंदों में तंजीद हसन 12 और मजमूल हसन को 0 पर वापस भेजकर बांग्लादेशी बल्लेबाजी की अंत की कहानी शुरू की। तंजीद छोटी गेंद पर विकेट के पीछे लपके गए तो संटो लेग स्टंप के बाहर जाती गेंद को छेड़ते हुए विकेट के पीछे लपक लिए गए। चोट से उबरकर लौट रहे साकिब अल हसन की पारी भी 4 गेंद तक चली। लुंगी एनडीगी की जगह आए लिजार्ड विलियमसन ने उन्हें विकेट कीपर के हाथों कैच कराया। पहले 10 ओवर में ही 31 रन पर 3 विकेट गंवाने के बाद बांग्लादेश के सामने लक्ष्य हासिल करने से बड़ी चुनौती पूरे 50 ओवर में खेलने की रह गई। अनुभवी बल्लेबाज मुश्फिकुर रहीम भी 1 चौके से 8 रन बना सके और गिरलट के शिकार बने। लिटन दास भी लगातार विकेटों के गिरने से परेशान हो गए और कगिसो रबड़ा ने उन्हें LBW आउट कर भेजा। लिटन दास ने 44 गेंदों में 3 चौके और 1 छक्का के मदद से 22 रन बनाए। इस तरह 58 रन पर बांग्लादेश की आधी पारी सिमट गई। मेहदी हसन मिराज ने 11 रन बनाए और वे केशव महाराज की गेंद पर स्वीप करते हुए लपके गए। अनुभवी बल्लेबाज महमूदुल्लाह ने टीम का स्कोर 100 के पार पहुंचाया। इसी बीच कोएजिया के 1 गेंद उनके सिर पर लगी जिसके चलते उन्हें फिजियो से मदद लेनी पड़ी। नसीम मोहम्मद ने 3 चौकों की मदद से 19 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद 37 साल के महमूदुल्लाह अकेले दम पर टीम के लिए एक छोर थाम कर खड़े रहे। उन्होंने 67 गेंद में अपना 50 पूरा किया। उन्होंने 7वें विकेट के लिए नसूम के साथ 41, हसन महमूद 15 के साथ 8वें विकेट के लिए 37 रन और मुस्ताफिजुर रहमान के साथ 9वें विकेट के लिए 68 रन की साझेदारी की। महमूदुल्लाह ने इस बीच अपने वनडे करियर का 4th शतक लगाया। उनकी पारी में 11 चौके और 4 छक्के शामिल रहे। अब दोस्तों टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने के लिए उतरे दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत अच्छी नहीं रही। दक्षिण अफ्रीका के दोनों ओपनर्स जल्दी आउट हो गए। 36 रन के स्कोर पर दक्षिण अफ्रीका के 2 विकेट गिरने के बाद मैदान पर आए मार्करम ने पारी को संभाला। पहले 10 ओवरों में बांग्लादेश के स्पिनरों ने साउथ अफ्रीका को दबाव में रखा था, लेकिन डीकॉक जैसे बल्लेबाज को लंबे समय तक मौन नहीं रखा जा सकता था। उन्होंने साकिब अल हसन के गेंद पर छक्का लगाकर अपना खामोशी तोड़ी और टीम का स्कोर 300 के पार पहुंचाया। दोस्तों क्विंटन डीकॉक के लिए क्या कहना है कमेंट में बताइएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।